गाइस कैसे हैं आप लोग। आज छत पे अपना एक मेहमान रखा हुआ है, इसलिए ये ब्लॉग अपलोड कर रहा हूं मैं कि मैं आपको अपने मेहमान से मिलाऊंगा, क्योंकि मेहमान ही मेहमानों से मिलाऊंगा। और वो मेहमान क्या है वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अपने मेहमानों से पहले आपको अपनी छत का थोड़ा सा टूर वोर करा दूं कि अपनी छत कैसी दिखती है। ये है, ये बेल है। अभी सर्दी है तो सारे फूल वूल झड़ गए हैं। अभी देखिएगा गर्मियों में अगर कभी व्लॉग अपलोड करें ना, हाँ सर्दी, ये जब व्लॉग अपलोड करेंगे ना गर्मियों में, तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे कोई चिड़िया यहाँ पे आएंगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए घोंसले भी हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत दिखे, वो दो पौधे रखे हैं, वो दो बेंच हैं। इधर ही अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि देसी क्रिकेट खेलना, ये अपनी टूटी फूटी पिच है, इस पर देसी क्रिकेट होती है। मैं अब इस टाइम अपने स्टोर रूम में मैंने अपना वो खास मेहमान रखा है कि जिसे हम आपको मिलाएंगे। देसी लोगों का ऐसे ही स्टोर रूम होता है, ईंटों से बना हुआ स्टोर रूम होता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक में देसी स्टोर रूम है तो देसी चीजें भी होनी चाहिए, जैसे कि क्रिकेट बैट। हर देसी आपको स्टोर रूम आपको ये लाभ में मिलेगा, क्रिकेट बैट। और ये कभी अगर लड़ाई का भी मौका मिले तो इसी से बैट से मारना पड़ता है। तो गाइस ये है अपना दो मेहमान, छोटे छोटे से हैं, चिड़िया है। ये फिंच है और ये मतलब एक नस्ल है फिंच की, ये चिड़ियों की नस्ल है फिंच। अबू ने बताया था कि ये बड़ी महंगी होती है, और ये तो वैसे गिफ्ट मिला है हमें, मेरे अबू को गिफ्ट दिया गया। हम 3,000 रुपये दो चिड़ियों पर करें, एक फीमेल है और एक मेल है, बच्चे पैदा करेंगे और फिर वो बच्चे और बच्चे करेंगे, वो बच्चे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और फिर साल बाद तक ये पूरा पिंजरा भर जाएगा। तो आपको उसका थोड़ा सा टूर दे दूं। ये जो आप डंडिया स्टिक्स देख रहे हैं ना लकड़ी की, ये हमने खुद लगवाई है, अपनी ही बेल जो पीछे दिखाई थी वहां से तोड़ के अब्बू ने यहाँ पे सारी लगाई है। ये स्टेनर है, मुझे भी पहले समझ नहीं था, मैं पहले समझ ये चीज के बारे में, स्टेनर लगाया हुआ है। ये जो चिड़िया है ना इसका मजा बड़ा आता है, ये दो होते हैं ना तो बार बार ऊपर आना पड़ता है इनको देखने के लिए। वैसे भी जब भी कोई जानवर आता है तो वो घर की इतनी रौनक होती है। और अभी आजकल धूपें नहीं निकली हैं, तो धूप जिस दिन धूप निकली कि हम इनको बाहर लात बन के समेत निकाले थे, ऐसे नहीं। बात है ये इनका खाने का सामान है। आप लोग ये सोचेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये खाना पानी, एक साइड पर खाना दूसरी तरफ पानी। मतलब क्या होता है ये, अगर आप इसमें ये जो चीज़ है ये पॉट, अगर ये देखें ना इसमें गंद है, इस पॉट में इनकी बीटे हैं, वरना वो इसी में खा जाते हैं, इसी में बीटे कर देते, गंदे चूड़े। ये जानवर इनको कुछ पता तो है नहीं, तमीज़ तहजीब तो इनको कुछ आती नहीं है, तो इसीलिए फिर हमने ये अब्बू ने ये मंगवाया। इसमें क्या होता है कि खाना साफ रहता है, ऊपर से जो खाते रहेंगे तो ऐसा ऐसा नीचे आता रहेगा, और बार बार भरने की जरूरत भी नहीं है कि वह भर दो साल तक खाते रहेंगे। जानवरों का तो अपना मजा होता है। और ये जो आवाज़ जो आप सुने इनके पास, इनकी आवाज़ बड़ी मज़े की होती है, जो ए ए ए ए करती है ना, बड़ी सुरीली इनकी आवाज़ होती है। और जानवर भी वैसे अलग ही है मखलूक, नहीं कहना चाहिए मुझे। तो ये अगर स्टोर रूम है इधर ही रखा है, और अब पता जैसे कि देसी लोगों के जो स्टोर रूम होते हैं उसमें उन्होंने अपने घर का सारा कचरा कबाड़ काट कबाड़ा सारा इधर रखा होता है। और अभी बड़ा मज़ा आ रहा है, इधर गर्मी गर्मी से फील हो रही है, बाहर बहुत ठंडा है इस टाइम, मज़ा बड़ा आता है इन जानवरों के साथ। ये भी इधर देखिए, अभी आपको दिखाया, मज़ा बड़ा आता है इनके साथ ना टाइम स्पेंड करने का। और वैसे हम सोचते हैं कि अब फोन को छोड़ के जरा जानवरों को देखें ना, उसका टाइम सारा निकल जाता है, कुछ भी नहीं करते, बस इधर उधर फुदक रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनको यही देखने का तो सू तो मिलती है, फीलिंग्स बड़ी अच्छी मिलती है। और बस दिस इज द व्लॉग, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे मेहमान कुछ आए हैं, हम आपसे मिलाएंगे इसको, और हमने आपको मिला दिया। और आगे देखो आगे कब बच्चे देते हैं और कब ये मतलब अपनी नस्लें पर आते हैं, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।